ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम इस समय इतिहास के सबसे चुनौतीपूर्ण दौर से गुजर रही है। इन दिनों चल रही भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 टेस्ट मैचों की सीरीज में वो 1-2 से पिछड़ चुकी है। बॉल टेम्परिंग विवाद के बाद से ऑस्ट्रेलिया के कप्तान सहित टीम प्रमुख पर बैन लगने के टीम काफी कमजोर हो गई है। इसके बाद जेम पेन को टीम का कप्तान चुना गया, लेकिन टीम के खराब प्रदर्शन पर उनका विकल्प के बारे में बातें होने लगी हैं, जिनमें ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज पैट कमिंस का भी नाम है। पैट ने हाल ही में उनसे कप्तानी के बारे में कुछ सवालों के जवाब दिए। बीते साल मार्च में दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुई विवादित टेस्ट सीरीज के दौरान हुए बॉल टैम्परिंग विवाद के बाद से ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट प्रदर्शन में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। इस टीम के तीन प्रमुख खिलाड़ी कप्तान स्टीव स्मिथ, वार्नर और कैमरन बैनक्रॉफ्ट पर प्रतिबंध लगने से टीम को बड़ा झटका लगा है और उसका संतुलन बिगड़ने से टीम की बल्लेबाजी खासी कमजोर हो गई है। नतीजा ये रहा कि विकेटकीपर टिम पेन के कप्तान बनने के बाद ही टीम पहले यूएई में पाकिस्तान के खिलाफ 0-1 से टेस्ट सीरीज हारी और अपने ही घर में अब 1-2 से पिछड़ रही है। ऐसे में टिम पेन की कप्तानी पर सवाल होने के बीच वॉर्नर गावस्कर ट्रॉफी में बढ़िया प्रदर्शन करने वाले पैट कमिंस को कप्तान बनाए जाने की बातें होने लगी। पैट कमिंस ने इन्हीं खबरों को हास्यास्पद बताया और जिन्हें उन्हें भविष्य के टेस्ट कप्तान के तौर पर देखा जा रहा है। कमिंस ने मौजूदा कप्तान पेन की तारीफ करते हुए कहा कि वो इस समय शानदार काम कर रहे हैं। उन्होंने टिम पेन का लंबे समय तक कप्तानी करने के लिए समर्थन किया। कमिंस ने भारत के साथ खेले गए तीसरे टेस्ट मैच में शानदार प्रदर्शन किया था। उन्होंने दूसरी पारी में 27 रन देकर 6 विकेट हासिल किए थे, जो कि करियर की उनकी सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी है। इसके अलावा उन्होंने बल्ले से भी शानदार 63 रन बनाए थे। कमिंस ने तीसरे टेस्ट मैच में 99 रन देकर कुल 9 विकेट लिए थे। अपने इस प्रदर्शन की बदौलत कमिंस आईसीसी की ताजा टेस्ट रैंकिंग में तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। हाल ही में उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि मुझे लगता है कि समय ऐसी बातें करना हास्यास्पद है। उन्होंने कहा कि हमारे पास टिम पेन है जो इस समय शानदार काम कर रहे हैं और मुझे लगता है कि ऐसा उन्हें लंबे समय तक करना है। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि गेंदबाजी और जिस क्रम पर भी बल्लेबाजी करूं मैं काफी व्यस्त हूं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि समय मैं कप्तानी के लिए उपयोग करूं। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स डेस्क से अभिलाष पांडे की रिपोर्ट।